हेलो स्टूडेंट, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच वन ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट? स्टेटमेंट ए दे रखा है, अ न्यूक्लियोसाइड कंटेन नाइट्रोजिनस बेस एंड फॉस्फेट। बी दे रखा है, अमीनो एसिड्स आर लिंक टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। सी दे रखा है, द ऐश कंटेन ओनली ऑर्गेनिक एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। डी दे रखा है, ड्यूरिंग टिश्यू एक्सट्रैक्शन द फिल्ट्रेट इज कॉल्ड एसिड एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन एंड रिटिनेट इज कॉल्ड एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन। तो बात करते हैं हम इस क्वेश्चन के ही कंसेप्ट की। तो इस क्वेश्चन में हम बोल सकते हैं जो की कंसेप्ट है वह हमारा है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं उन्हें बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। बात करते हैं स्टेटमेंट ए की। तो स्टेटमेंट ए दे रखा है हमारे, अ न्यूक्लियोसाइड कंटेन नाइट्रोजिनस बेस एंड फॉस्फेट। तो यह हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं वह नाइट्रोजिनस बेस फॉस्फेट एंड फॉस्फेट ग्रुप से जो हैं अटैच रहते हैं, अटैच होते हैं फॉस्फेट ग्रुप से नाइट्रोजिनस बेस। न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं, न्यूक्लियोसाइड जो अटैच रहते हैं या कंटेन रहते हैं, वह कंटेन रहते हैं नाइट्रोजिनस बेस। फॉस्फेट ग्रुप से अटैच्ड रहते हैं। स्टेटमेंट बी की बात करें तो स्टेटमेंट बी दे रखा है, अमीनो एसिड आर लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। जो अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, इनमें क्या होता है, अमीनो एसिड्स क्या बनाते हैं? यह बनाते हैं पॉलीमर्स, और इन पॉलीमर्स के बीच ही जो बॉन्ड पाया जाता है उस बॉन्ड को बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद ये क्या बनाते हैं, यह प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो स्टेटमेंट सी यहाँ पर, बी यहाँ पर सही होता है। स्टेटमेंट सी की बात करते हैं, स्टेटमेंट सी दे रखा है हमें, द ऐश कंटेन ओनली ऑर्गेनिक एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो जो ऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं वह जब हीट अप होते हैं, हीट अप होंगे तो यह क्या हो जाएंगे, बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं, बायोडिग्रेड हो जाते हैं ऑर्गेनिक एलिमेंट्स। और जो एलिमेंट बचता है वह एलिमेंट बचता है हमारा इनऑर्गेनिक एलिमेंट होता है। तो जो हमारा ऐश है वह क्या है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट होता है। तो यह स्टेटमेंट सी हमारा यहाँ पर गलत है। स्टेटमेंट डी की बात करें, ड्यूरिंग टिश्यू एक्सट्रैक्शन द फिल्ट्रेट इज कॉल्ड एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन एंड द रिटेंट इज कॉल्ड एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन। तो यह स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए हमारा एसिड सोल्यूबल पूल, एसिड सोल्यूबल पूल। तो यह स्टेटमेंट डी भी हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है। स्टेटमेंट ए, सी और स्टेटमेंट डी हमारा यहाँ पर गलत है। स्टेटमेंट बी की बात करें, अमीनो एसिड आर लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। तो स्टेटमेंट बी यहाँ पर सही होता है। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। आई होप अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।